ईश्वर चाहते हैं कि हम सब सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम सभी कमजोर हैं, हम सभी पापी हैं, हम हर दिन पाप करते हैं। इसलिए कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम सभी मृत लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, ना केवल अपने परिवारों से जो प्रियजन मर गए हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि सभी मृत लोगों के लिए। तो आइए हम नवंबर महीने में केवल नहीं हर दिन हम करें, लेकिन नवंबर माह में हम विशेष रूप से सभी मृत लोगों के लिए हम ईश्वर से दया याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनके सारे पापों को क्षमा करके अपने पुत्र के पावन लहू के कीमत पर, मूल्य पर उन सबों को मुक्ति प्रदान करें। हम गिड़गिड़ाकर, एक मत होकर, भरोसे के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोगों को याद करेंगे, सभी लोगों को, संत पिता से लेकर अंतिम विश्वासी तक, सभी लोगों के लिए, ना केवल विश्वासी अविश्वासियों के लिए, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो मर गए हैं, सबों के लिए हम ईश्वर की दया की याचना करेंगे। आइए भक्ति भावना के साथ हम इस प्रार्थना में भाग लें। इसमें हम शुरू में स्तोत्र ग्रंथ से दो गीत लेकर हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम निवेदन माला चढ़ाएंगे, उसके बाद रोजरी विनती करेंगे। आइए हम प्रार्थना शुरू करें। हम सब पापी हैं, इसलिए ईश्वर की दया और उनकी क्षमा हम सबों को जरूरत है, और विशेष रूप से इन दिनों जब हम अपने मृत प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी ईश्वर की दया याचना करना हमारे लिए उचित है और जरूरी है। तो जब हम स्तोत्र अध्याय 51 जब हम दोहराते हैं प्रार्थना के साथ में, हम हमारे प्रियजनों को भी ध्यान में रखकर, साथ ही उन लोगों को भी जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, जिनको कोई भी याद नहीं करते हैं, उनको भी याद करके उनके लिए हम ईश्वर से, और हमारे लिए भी हम ईश्वर से दया याचना करें। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंधकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे, ईश्वर तू मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंड तेरा गुणगान करेगा, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीन हीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा, तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्ण होति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। ईश्वर हम सबों के पाप क्षमा करते हैं, इसलिए हम
दृढ़ भरोसे के साथ हम इस स्रोत को या गीत को हम ईश्वर के चरणों में अर्पित किए हैं। आइए हम प्रभु येसु के साथ जो क्रूस पर मर रहे थे, जैसे वे पिता के हाथों में अपने आप को अर्पित कर रहे थे दृढ़ भरोसे के साथ कि उनके पिता उन्हें पुनर्जीवित कर देंगे, उन्हें मृत्यु में पड़े रहने नहीं देंगे, वही भरोसा के साथ हम अपने प्रियजनों के लिए और अपने लिए ईश्वर से वही स्तोत्र का उपयोग करके हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र 22, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता। मेरे ईश्वर मैं दिन में पुकारता हूं और तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को पुकारता हूं और मुझे शांति नहीं मिलती, यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है। इसराइल तेरा स्तुतिगान करता है, हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया, उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। परंतु मैं मनुष्य नहीं कीट हूं, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त, मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए, यह वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा, मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है, मुझसे दूर ना जा क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं। प्रभु मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मेरी आत्मा को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों के पंजों से, मुझे सिंह के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों की जंगली सांडों के सींगों से। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुतिगान करूंगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों उसकी स्तुति करो, याकूब के वंशजों उसकी महिमा गाओ, इसराइल के सब वंशजों उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने दीन हीन का तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई, उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। मैं तुझसे प्रेरित होकर भरी सभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। समस्त पृथ्वी प्रभु का स्मरण करेगी और उसकी ओर अभिमुख हो जाएगी, सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा है, वही राष्ट्रों का शासन करता है, पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे, मैं उसके लिए जीवित रहूंगा, मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा, वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेगा। हम प्रभु पर दृढ़ भरोसा जताए हैं कि प्रभु हमें गलने नहीं देंगे, हम जरूर हमारी परिस्थिति को ईश्वर के सामने रखें, लेकिन पूर्ण भरोसा है कि ईश्वर हमें नष्ट होने नहीं देंगे। यही भरोसा हम हमारे प्रियजनों के लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए जो शोधाग्नि में हैं, जो शुद्ध किए जा रहे हैं, पवित्र किए जा रहे हैं, हम उनके लिए भी यही गुणगान, यही स्तुति, यही गीत हम ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। ईश्वर हम सबों की प्रार्थना सुनकर, सभी
प्रियजनों को, सभी भाई बहनों को, जितने भी लोग वहां शुद्धिकरण के जगह पर हैं, सबों को उनके पापों को क्षमा करके ईश्वर अनंत जीवन प्रदान करें। आइए यही उद्देश्य लेकर सभी लोगों के लिए, संत पिताओं से लेकर आखिरी विश्वासी तक, जो अविश्वासी भी हैं, जितने भी लोग वहां शुद्धिकरण के जगह पर हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हम पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें, अमृत धर्म बहनों के लिए, ब्रदरों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए। हम उन लोगों को कभी ना भूलें जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। साथ ही हम उन शिशुओं के लिए भी प्रार्थना करें जिनकी हत्या उनकी मां के गर्भ में ही की गई थी। उन बच्चों के लिए भी हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर सबों के पापों को क्षमा करके उन्हें अनंत जीवन प्रदान करें। विश्वासियों के निवेदन। हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र क्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। हमारा प्रत्युत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मृत भाई बहनों ने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, ईश्वर उन्हें संतों की संगति में सम्मिलित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मृत लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी क्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, मित्रों और उपकारों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन का पुरस्कार प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, ईश्वर उन्हें अपने मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो दुख झेल रहे हैं, ईश्वर दयापूर्वक उनकी सहायता करें और उन्हें सांत्वना प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी विश्वास और भक्ति के कारण यहाँ एकत्र हुए और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें भी अपनी महिमा के राज्य में प्रवेश पाने दें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में, दिल में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, विशेष रूप से सभी लोगों के लिए, हम पिता से प्रार्थना करते हुए जो प्रार्थना प्रभु यीशु हमें सिखाए उसके द्वारा हम अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। एक हमारी प्यारी माँ मरियम, माँ जैसे तेरे गोद पर तू अपने प्रिय पुत्र का लाश पाई थी और दुखी होकर, लेकिन दृढ़ विश्वास करते हुए कि तेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाएगा, तू ईश्वर पर भरोसा रखकर वहां प्रार्थना करती रही। हे प्यारी माँ, तेरी सभी संतानों के लिए, विशेष रूप से जिनका शुद्धिकरण शोधाग्नि में किया जा रहा है, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना कर और ईश्वर से दया याचना करके उन्हें आनंद जीवन दिला। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं को और सभी मृत लोगों को मां मरियम के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में अर्पित करते हुए हम पवित्र रोजरी विनती करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर सबों को अनंत जीवन प्रदान करे। इन प्रार्थनाओं के साथ साथ आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी मां मरियम के द्वारा ईश्वर के चरणों में अर्पित करिए। आइए हम रोजरी विनती शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण
प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आनंद के भेद, पहला भेद। गैब्रियल स्वर्गदूत कुवारी मरियम को संदेश देते हैं। चिंतन। स्वर्गदूत गैब्रियल ने कुवारी मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के समान हम भी ईश्वर की इच्छा और योजना के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। हमें पवित्र विश्वास से जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। हमारे सभी मतलबों के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है। चिंतन। कुवारी मरियम अपनी गर्भवती कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए यूदा के एक नगर पहुंची। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तब मरियम आत्मा में भजन गाने लगी। प्रार्थना। हे प्रभु, जैसे मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ और उसका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और 3 महीनों तक उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव मरियम द्वारा मिला, हमें भी माता मरियम के द्वारा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हे प्रभु, सभी निस्संदान दंपतियों, गर्भस्थ बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए इस भेद को उनके लिए समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया,
ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु मसीह का जन्म। चिंतन। केसर अगस्तस के राज्यकाल में पहली जनगणना की राजाज्ञा निकाली गई थी, इसलिए यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नासरत से बेतलहम गया ताकि वे अपना नाम लिखवाए। वहीं मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने एक गौशाला में यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तब स्वर्गीय सेना ने ईश्वर की स्तुति में गीत गाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्म की खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहाओं को दी। उन्होंने भी जाकर यीशु को चरनी में लेटा देखा और ईश्वर का गुणगान और स्तुति किया। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के कौमार्य को भंग किए बिना तूने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, इसलिए जीवन के अंत तक नित्य कुंवारी बने रहने की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। हे कुंवारी माता, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना कर कि वे अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें और तेरे जैसा एक पवित्र जीवन जी सके। उनके लिए इस भेद को हम समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, बालक यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चिंतन, मूसा की संहिता के अनुसार पुत्र प्रसव के 40 दिनों के बाद शुद्धिकरण का दिन आया तो माता पिता यीशु को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। सिमयोन नामक धर्मी पुरुष पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। उसने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए बालक के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। अन्ना नामक विधवा नबिया, जो मंदिर में उपवास प्रार्थना करते हुए रहती थी, वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और बालक के विषय में लोगों को बताने लगी। प्रार्थना, हे प्रभु, समयोन और अन्ना के समान तुझे हमारे हृदय में अनुभव करते हुए सदा स्तुति आराधना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। बालक और दुदुमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हे माँ, हमारे परिवार के सभी बच्चों और सभी अनाथ, गरीब, बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए।
कि वे ईश ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाए। सभी बच्चों के लिए हम इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। चिंतन। जब बालक यीशु 12 बरस का था तो माता पिता प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा तो वे यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते
और उनसे प्रश्न करते पाया। माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु ने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब माता पिता ने 3 दिनों के बाद तुझे मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठा पाया तो उन्हें कितना आनंद हुआ। तो उनके साथ नाजरेत गया और उनके अधीन रहा। हम सभी बच्चों और युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे समान अपने माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे,
जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने हाथों को जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। माता भक्तों के लिए।
करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। देव दूतों की रानी,
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे, आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे, आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन।